बड़ा टकराव हो गया, सही समय पर ब्रेक। Good morning friends and welcome to my channel. You are watching Classic Wanderer and right now I'm on the way to Silk Route. और आज का इस वीडियो में मैं ये रास्ता जाने वाला हूँ ऊपर तक और ऊपर से पूरा सिल्क रूट का पूरा नज़ारा दिखते है। थोड़ा ऑफ रोडिंग है तो निकलते हैं अभी, वरना बारिश हो गया फिर बारिश में चला नहीं पाएंगे। तो अभी मैंने बाइक में कुछ भी माउंट नहीं किया है, बस एक बैग लिया है, तो निकलते हैं। कभी नहीं चलाया, देखते हैं ये रास्ते की कंडीशन कैसा है। दोनों ऑफ रोडिंग है, रास्ते का कंडीशन बहुत ही खराब। रस्ते में सिर्फ 4x4 गाड़ी ही चलता है और शायद बाइक लेके जाने वाला मैं पहला आदमी हूँ यहाँ पर। बंद पड़ जाता है भाई, हिमालय होता तो ये सब नहीं होता। कि ये गाड़ी में थोड़ा सस्पेंशन थी तो जैसे सस्पेंशन हार्ड ही, इसलिए ज़्यादा जंप करता है। सारा पत्थर है, बारिश की वजह से कंडीशन और भी ख़राब हो गया इधर का। धीरे करके भी चला जाता है, लेकिन अगर मिट्टी वाला रास्ता मिला इस तो बाइक स्ट्रेट करेगा मेरा, क्योंकि मेरा पीछे का टायर जो है वो ठीक नहीं है, पीछे का टायर में ग्रिप नहीं है उसका।
पकड़ यहीं आगे पे होगा। रास्ता तो बहुत ही ऑफ रोडिंग है इधर, इतना ऑफ रोड है ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। कंडीशन है इधर, लगता नहीं कि यहाँ पर कोई गाड़ी आया है। इस टाइप के रोड में थोड़ा क्लासिक मेरा ये बाइक का थोड़ा वेट फील होता है, हैवी वेट एंड हार्ड सस्पेंशन थोड़ा फील होता है, लेकिन सही है, चल रहा है अब तक। और यहाँ पर बाइक का टायर का निशान भी है, गाड़ी का टायर का थोड़ी थोड़ी सड़के में जो भी यहाँ पर है, छोटा गाड़ी का ये निशान बत्ती डर गया इधर। संदकपू वाला रास्ता याद दिला दिया मुझे, ये रास्ते नहीं, संदकपू जाने का रास्ता भी कुछ इसी टाइप का है। थका दिया, चल रहा है। पानी भी थोड़ा गहरा है भाई इधर, पानी उभर रहा है। अब यहाँ से जाने के बाद सर्विसिंग करना पड़ेगा बाइक का एक बार, और इसी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है भाई। गाड़ी तो आया है इधर पे,
फंस गया तो निकालने के लिए भी कोई भी नहीं है। टायर तो बड़ा गाड़ी का टायर का है आगे इधर पे, बड़ा गाड़ी भी आया है इधर। लाल मिट्टी में टायर स्केट कर रहा है, लाल होगा तो टायर स्केट करेगा भाई। माटोमा चिप्लिन्छ मेरो बाइक, बाइक फिसल जाता है भाई ये वाला मड में। और ऊपर से मेरा टायर का ग्रिप भी नहीं है, पीछे का पुराना हो गया। टायर था
टायर बहुत ज़्यादा स्केट कर रहा है मेरा, इसको थोड़ा उठा के घुमाना पड़ेगा। दिमाग खराब। ग्रिप ही नहीं मेरा टायर में ऐसा है ना, इसलिए बहुत फिसल रहा था इधर। भी आवाज कर रहा है, चेन लूज हो जाएगा। ऐसी जगह में घूम जाता है, लग रहा है ये भी कर रहा है। बाइक थोड़ा ओवर हीट हो गया मेरा, ये माथि बाटो कस्तो छ? ए जान्छ छिर्छ माथि? हजुर मोदी फ्याङदुङसम्म गएको। टर्निङ अप्ठ्यारो छ हजुर, म त्यही फ्याङ्दिनसम्म त्यतिकै घुम्न। हजुर हुन्छ। ए हुन्छ, फोर गाड़ी जाता है इधर से, क्योंकि आगे थोड़ा रास्ता खराब है।
वहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल है बोल रहा है। अभी देखते हैं जाके क्या है स्टेटस। अब आगे जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे, लेकिन मैं हर बार एक ही चीज़ भूल जाता हूँ, पानी लाना भूल जाता हूँ। और ऊपर से ऐसा है रोड बिना खराब स्टेट होते छ। लाल मिट्टी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है भाई, बाकी तो सब मैनेज कर पाऊँगा। लकड़ी अटक गया, इंजन ओवरहीट का साइन भी ऑन ही है। और इस राइड में अभी 20 मिनट ही हुआ है और पूरा पसीना निकल दिया। आगे का रास्ता ऐसा ही है और यहाँ पर है 4x4 गाड़ी। निकलते हैं आगे, देखते हैं आगे तक। चैलेंजिंग रूट उधर है जो पूरा लाल मिट्टी से बना है, थोड़ा ऑफिल भी है उधर, तो वहाँ पर मुझे थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। अगर सही से नहीं चलाएगा गोप्रो में चार्ज 28%, लेकिन फिर भी बार बार ऑफ हो रहा है। जा रहा है GoPro, अगर इधर बारिश हुआ तो सारा पानी ये रोड से ही आता है इधर, क्योंकि पानी का पूरा दाग ही है इधर। अरे थोड़ा टकराव हो गया सही समय पर, ब्रेक लगा लिया लेकिन आगे थोड़ा लग गया। ऐसा हो रहा है ना, इसका सस्पेंशन ज़्यादा जंप करता है। ऊपर से बाइक भी थोड़ा भारी है, बाइक स्केट। どうにしけど どうにかるげや ちょちょちょちょ
साइकिल से धुआं निकल गया। फट गया क्या चैम्बर? लगता है अब ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना चाहिए, ज़्यादा ही हीट हो गया। इधर से धुआं निकल रहा था अभी, पता नहीं किस चीज़ का है। तो अभी ऊपर नहीं जाएंगे, यहीं से लौटना पड़ेगा। ओवर हीट हो गया ये। लाइफ में पहली बार मेरा ये एक्सपीरियंस हुआ। जाने के टाइम पे जब मैं रेस्ट दे रहा था तो यहाँ से हाई प्रेशर में गैस निकला, इधर से थोड़ा सा हल्का सा ब्लास्ट जैसा हुआ। कोई मेजर इश्यू नहीं है शायद, बाइक तो नॉर्मली चल रहा है, इंजन भी ओवर हीटी है और थोड़ा स्मेल भी आ रहा है कुछ जलने का। तो अभी आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते। वैसे मेरा मंजिल देखो तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, एक ही किलोमीटर होगा, लेकिन बाइक ओवर हीट हो रहा है क्योंकि मेरा टायर का कंडीशन भी सही नहीं है, तो इसकी वजह से लाल मिट्टी में पूरा स्केट कर रहा है बाइक। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। लगता है कोई मेजर नुकसान हो गया है, अभी सर्विसिंग करने के टाइम पे पता चलेगा। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। नहीं है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट कर देना। थैंक यू।